तो यहाँ पर देखिएगा हम चारों चूड़े में इस तरह से लपेट लिए, देखिए ये लपेट लिए हैं अब, और ये हैंगर देखिए हैंगर। तो कर अब करना क्या, इस चारों हेदा में जो ऐसे ऐसे रख के इसको सिलाई करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये छेदा और इसमें सिलाई करना है, ऐसे ऐसे करके दोनों को बांध देना है। फिर हम बांध लेते हैं गाइस, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिएगा इस तरह से इसी धागा से हम बांध ले रहे हैं चूड़ी को, यहाँ इस तरह से बांध लेना है, यहाँ घुसा घुसा के। ये देखिए दो तीन तीसरा बांध रहे हैं, एक और बांधना है अभी। तो ये देखिएगा ये चारों हम बांध लिए इस तरह से। अब इसको क्या करना है, यहाँ भी बांधना है, यहाँ बांधना है, यहाँ भी बांधना है, तो बांध लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिएगा ये बन के तैयार है इस तरह से। तो इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे आप लोग को, तो ये दिखाएंगे, देखिए दिखाते हैं इसका उपयोग क्या करने वाले हैं। तो इसका उपयोग हम कैसे करने वाले हैं आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए हीरा मेरा दुपट्टा, तो इसमें घुसाते घुसाते देखिएगा इस तरह से अपने इसमें ढेर सारा दुपट्टा रख सकते हैं। देखिए और इसको अलमारी में टांग दीजिए। तो अगर आप लोग का अगर लंबा रहेगा बड़ा तो उसमें और चूड़ी बढ़ा सकते हैं। तो मेरा तो ये छोटा था, इसमें मेरा चार ही चूड़ी आया है। अगर आप लोग के पास बड़ा रहेगा तो बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से इसको अलमारी में टांग दीजिए, कम जगह फिर जगह भी कम देगा और ढेर सारा दुपट्टा भी आपका रह जाएगा। बस निकालते समय से निकाल लिए खींच के अपना लगा लीजिए, ऐसे रख दीजिए अलग अलग दुपट्टा। अलमारी में जगह भी कम लेगा गाइस इसमें, क्योंकि दुपट्टा भी अच्छा से सेव रह जाएगा। तो मेरा डी आई वाई कैसा लगा आपको गाइस कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।